सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी जने? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, आपको पता ही है आजकल मेरे जो ये कार में फूड लगाने का स्टॉल स्टार्ट किया है, उसका आज मेरा दूसरा दिन है। पहला दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, काफी लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे मिले, काफी लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि बेटा बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि आप लड़कियों के ऐसा, बहुत खुशी मिलती है ऐसे में ना जब कोई हमें मोटिवेट करता है। डीमोटिवेट करने के लिए तो पूरी दुनिया है यार, जो मोटिवेट करे ना बस उसमें ध्यान दो। तो मैंने तो यही सोचा है, डीमोटिवेट करने के लिए तुम्हारी पूरी दुनिया है, तुम्हारे आस पड़ोस होंगे, बहुत लोग होंगे, लेकिन उन सबको गोली मार के सिर्फ तुम्हें अपना मेन फोकस करना है, अपने काम को लेके करना है। और यार देखो, शर्म की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बचपन से मेहनत करना हमने सीखा है और बचपन से मेहनत करते हुए हम चले। गाइस, संघर्ष तो हर इंसान की जिंदगी में, संघर्ष किसी की जिंदगी में थोड़ा कम होता है और किसी की जिंदगी हमारे तरह थोड़ा ज्यादा होता है, बट लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जिंदगी में ज्यादा संघर्ष है शायद उसकी सफलता ज्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहो, अपने आप से बातें करते रहो और आगे बढ़ते चलो। अब हम जो मेरी जो वीडियो कंटिन्यू रहेगी वो रहेगी सीधा फूड स्टॉल में, जब मैं लगाऊंगी इसमें गाड़ी में वही रहेगी, क्योंकि बारिश इतनी तकड़ी हो रही है ना, आप आवाज से पहचान रहे होंगे गाड़ी में इतनी तकड़ी बारिश है कि मुझे गाड़ी के अंदर ही बैठ के व्लॉग बनाना पड़ रहा है, बाहर मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि यार मैं खुद भी भीग जाऊंगी और मेरा फोन भी भीग जाएगा। बाकी कंटिन्यू बने रहना मेरे व्लॉग में। आज देखते दूसरा दिन में हमारा क्या क्या हमारे साथ होता है, क्या कुछ नया, कैसे कैसे लोग आते हैं, वो सब हम देखेंगे। और बाकी चलो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट आपको गाड़ी वहीं लगा के। गाइस, फाइनली निकल चुकी हूँ घर से और बारिश तो अभी भी भाई नहीं रुक रही है, मुझे लगता है पूरे दिन भर की बारिश है आज भी। और आप देखो, सामान पीछे रख दिया मैंने सारा, अब धीरे धीरे चल ही रही हूँ। बाकी गाइस अभी तो धीरे धीरे चलते हैं, पहुँच जाएंगे अपने लोकेशन में, फिर लगाएंगे यार, देखते हैं थोड़ा सा रुक के लगाऊंगी नहीं तो ना। बारिश देखो आप, बारिश देख रहे हो, बारिश, ओ भाई साहब। सो गाइस, फाइनली आ चुकी हूँ अपनी गाड़ी में, अब इसको यहाँ सेटअप करते हैं पूरा, और सेटअप करके आपसे मिलती हूँ। देखो अभी गाइस, फाइनली मैंने लगा दिया सामान, हरी मिर्च भी रख दी, और ये देखो बैनर है, और बैनर अभी बाहर लगाएंगे यहाँ की तरफ से, बाहर से। बाकी देखो प्याज भी कट गए हैं, तो चलो सेट करते पहले फटाफट से। अरे ब्लॉग ब्लॉग। तो गाइस, दूसरा दिन आज मेरा सेटअप कर दिया है, इतनी देर में बरसात कम कर दी है, बाकी खड़े हैं अभी, देखते हैं कस्टमर का वेट करते हैं, अपना पूरा काम धाम वो भी हमारा इसको सेट करते हैं ना। हाँ, ये देखिए, तो बोले मेरे को नहीं बताया वाला आपने। ओ भाई, यहाँ जब से मैं खड़ी हो रही ना भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट ही हो जा रहे भाई। आज मुझे लग रहा है इंद्रदेव जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होके बारिश रुक गई है। काफी देर हो गई थी बैठे बैठे, तो मैंने चाय मंगवाई है, सुबह से चाय भी नहीं पी है, चाय पी के आज नाश्ता करेंगे ऐसे। ये लो भाई, आप भी पी लो। तो गाइस क्रीम रोल खाया जा रहा है। कैसी लगी दीदी आपको कड़ी? बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। चलो दीदी, अभी कड़ी खा रही है और बस वेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी कस्टमर आ जाए और जल्दी ये ख़त्म हो जाए और मैं घर चले जाऊँ। क्या करना है? हाफ फुल आपको ना, फुल आपको क्या लगाना है? दो ही कर दो सर, मिक्स करना, मिक्स। ओके, कड़ी राजमा। वीडियो में कोई बात नहीं, छोटी करछी चटनी की दो चम्मच इसमें देना है आपको, कंटेनर में दो।
गाइस काम करते करते फिर बारिश, एक हाफ राजमचा वाला प्याज चटनी सब डाल दो ना, प्याज चटनी चल जाएगा। तो गाइस बारिश भी हो रही है और ढाई बज चुके हैं, जल्दी जल्दी निपट जाए, बहुत बारिश हो रही है। अभी थोड़ा राइस है बचा, वेट कर रहे हैं। गाइस अभी खड़ी हूँ मैं, बारिश बहुत तकड़ी हो रही है। अंकल जी कार में खा रहे हैं खाना, बाकी थोड़ी देर वेट करते हैं। और वैसे थोड़ा सा राइस है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बचा। फाइनली हमारा खाना खत्म हो चुका है, अब निकलेंगे सीधे घर के लिए। पैकिंग करते हैं फटाफट से और चार बज रहे हैं, ठीक चार बजे जा रही हूँ वापस। यार देखो सुबह से बैठी हूँ और तू क्या देख रही है मेरा मुँह, ले पकड़ी से पैकिंग कर चल मेरे साथ। तो गाइस टैग निकाल रहे हैं पार्वती हो मैं, चल बारिश हो रही जल्दी कर। तो गाइस छुट्टी हो चुकी है, मिलते हैं कल आपको। तो हाँ कल ही मिलेंगे, हाँ कल मिलेंगे, कल सही बोल रही हूँ। छोले चावल होंगे, वैसे टेस्टी है। तो गाइस फाइनली सब फिनिश हो गया है, आज सेकंड दिन था, सेकंड दिन मेरा बहुत अच्छा रहा है। बाकी ये छोले हैं, थोड़े से बचे हैं लास्ट में, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है। और इसके बाद हम निकलते सीधा घर। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।